पुलिस को चुनौती देने वाले बदमाश का हुआ एनकाउंटर। ग्वालियर से यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर पुलिस ने कर दिया आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर, और यह शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है मोस्ट वांटेड बदमाश का, ग्वालियर का। दरअसल बहुचर्चित सरपंच हत्याकांड आपको याद होगा, अगर नहीं तो मैं बता दूं कि 9 अक्टूबर को सरपंच विक्रम रावत की दिन दहाड़े फायरिंग करके, यानी कहे गोलियों से वार करके हत्या कर दी गई थी। गोलियां चली थी दिन दहाड़े ग्वालियर के तानसेन रोड पर, पड़ाव थाना क्षेत्र का मामला था, और पुलिस तब से वांटेड की तलाश में थी। अपराधी खूंखार जो आरोपी था पुष्पेंद्र रावत, तो पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन चला रखा था, और पनिहार थाना क्षेत्र की पुलिस को दरअसल सूचना मिली थी कि टोल प्लाजा के पास जो जंगल से लगता हुआ इलाका, वहां पर बदमाश है। तो पुलिस मौके पर पहुंची थी, बदमाश को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने बदमाश पर आक्रमण किया, और पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया पुष्पेंद्र रावत का। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। उसमें हमने 4 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया हुआ है, और जो हत्या का मास्टरमाइंड था पुष्पेंद्र रावत, वो लगातार घटना तनाव से ही फरार था। ऐसे में ये अंदेशा था कि वो अभी पुनः किसी रंजित को लेके पुनः कोई घटना कर सकता है अपनी फरारी काटने के दौरान। इस पर हमारी टीम लगातार उसको सर्विलांस में ली हुई थी, ऐसे में उसका पनियार के जंगलों में छिपे होने की घटना मिली, और हमारे टीम थाना पड़ाव की पिछलवारी हिला टंडन और थाना परियार थाना प्रभारी संतोष भदौरिया, जय किशन, संगीता मिंज, लोगों ने एक टीम बना करके ग्रुप में इसको पकड़ने के लिए रवाना किया। और चूंकि ये पहले से ही दो हत्याओं में आरोपी है, और आरोपी जो है अपने साथ में फायरिंग आर्म्स हमेशा रखता है, तो इसके द्वारा अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी के ऊपर फायर खोल दिया गया, और लगातार 2-3 राउंड फायर किए गए, और पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने बचाव के लिए फायर किए गए, जिसमें से एक गोली उसके पैर में लगा हुआ पाया। पुलिस ने पूरे मामले को बताया है, और आरोपी जो था उसका इलाज किया जा रहा है शॉर्ट एनकाउंटर के बाद। ये बहुचर्चित सरपंच हत्याकांड, जिसके चलते लगातार पुलिस जो है अलर्ट पर थी, क्योंकि बदमाश जो है आपराधिक प्रवृत्ति का था, और इससे पहले भी वो एक बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका था। सरपंच हत्याकांड के बाद पुलिस एक्शन मोड में थी वांटेड बदमाश को पकड़ने के लिए, और पुलिस लगातार सर्चिंग ऑपरेशन भी कर रही थी कई इलाकों में। तो ऐसे ही परिहार थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना जब मिली कि बदमाश टोल प्लाजा के आसपास है, लोकेशन पता चली, पुलिस ने सर्चिंग कर रखी थी, उसी दौरान ये मुठभेड़ हो गई, और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया, और पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी भी मान रही है। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई सर्वेश पुरोहित ने, आप देखते रहे अभी तक।